केमिस्ट्री का ट्यूटोरियल। माइसेल्फ श्रेयांश और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर लाइट का पार्ट नंबर 23। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था, तो पिछले लेक्चर में मैंने एक न्यूमेरिकल बताया था NCERT का एग्जाम्पल नंबर 10.3। पिछले तीन लेक्चर्स में मैंने न्यूमेरिकल से सॉल्व करवाया है स्टार्टिंग के दो मीन्स लेक्चर नंबर 20 और 21 में मैंने मिरर फार्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बताया है, और 22 में मैंने लेंस फार्मूला से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया था। दोनों में डिफरेंस क्या था, मिरर फार्मूले में एक साइन का डिफरेंस था, जो मतलब मिरर फार्मूले में और लेंस फार्मूले में सिर्फ एक साइन का डिफरेंस था जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे NCERT का एग्जाम्पल नंबर 10.4। तो सेम जिस तरीके से लास्ट लेक्चर में मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, सेम वही पैटर्न होगा, सेम वही फ्लो होगा। बस यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद इसमें हर चीज़ हम देख लेंगे, हर एस्पेक्ट को हम देख लेंगे, और इसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि अ 2 सेंटीमीटर टाल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब कि एक 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है जो कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ है परपेंडिकुलर। अब प्रिंसिपल एक्सिस कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, तो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं और नोटिस करते हैं कि क्या क्या चीजें हमें दी हुई हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर टाल ऑब्जेक्ट, मीन्स ये हो गया हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कितना 2 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। इस प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस कौन सा, ये वाला। ठीक है, ये वाला अगर ये रहता तो ये कॉन्केव लेंस होता है। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर कह रहा है। अब देखो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं। बट यहाँ पे फिर वही क्वेश्चन आता है कि फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, प्लस 10 लिखेंगे या माइनस 10 लिखेंगे। तो बार बार कह रहा हूँ, रट जाओ इसको, किस लेंस का पॉजिटिव होता है, किस लेंस का नेगेटिव होता है। नहीं याद है तो पैरेलल रेज इंसिडेंट करवाओ, कहाँ पे मीट करेगी ये, इधर मीट करेगी। ठीक है, तो यहाँ वाला ये जो फोकल लेंथ होता है ये पॉजिटिव होता है, मतलब कि कॉन्वेक्स लेंस के कंडीशन में हमारी फोकल लेंथ कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब आगे क्या कह रहा है, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से डिनोट करते हैं, u इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लेकिन एक चीज ध्यान दो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा माइनस में लिखते हैं, क्योंकि वो लाइट के इंसिडेंट जिधर से होती है उस डायरेक्शन में हमेशा हम प्लेस करते हैं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस में लेंगे। ओके, अब एक चीज याद रखना कि यहाँ पे एच ओ एफ यू ये लिखने से थोड़ा बचना, क्यों बचना, क्योंकि अगर ये फुल फॉर्म में लिखे रहोगे यहाँ पे, जैसे ऐसे लिखना कि गिवन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, एंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 15 सेंटीमीटर। ये लिखने से क्या होगा, आपकी जो नंबर कटने का प्रोबेबिलिटी है ये कम हो जाता है। जैसे अगर ऐसा लिखोगे तो गारंटी नहीं है कि नंबर कट ही जाए, पर गारंटी नहीं है कि फुल मार्क्स मिल ही जाए। ठीक है, कुछ मार्क्स एग्जामिनर चाहे तो काट भी सकता है आपके इस चीज पे, शॉर्ट फॉर्म यूज करने पे। तो अगर शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हो, अगर ऐसे लिख रहे हो, तो आगे मेंशन करना पड़ेगा कि एच ओ इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एफ इज इक्वल टू फोकल लेंथ, ये चीज मेंशन कर देना। नहीं कर रहे हो तो फिर वही है कि रिस्क लेने वाली बात है, इतनी छोटी छोटी चीजों पर रिस्क लेने का क्या मतलब है। अगर मान लो गलती से एग्जामिनर का मूड डिस्टर्ब है, घर पे झगड़ा हुआ है, किसी भी रीजन से अगर एग्जामिनर ने नंबर काट लिया, तो फिर आप इस चीज़ में तो कंप्लेन कर नहीं पाओगे, छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप कॉपी तो निकलवाओगे नहीं बोर्ड की। ठीक है, तो कोशिश करना कि जितने भी सिंबल्स यूज करते हो उसका या तो फुल फॉर्म लिख दो, या फिर उसकी वैल्यू क्या है ये कहीं पर साइड में मेंशन कर दो। ठीक है, खैर आते हैं अपने लेक्चर पे। यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन बताना है इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ लिख दिया है। तो ये तो हमें हो गया कि क्या चीजें दी हुई हैं क्वेश्चन में, अब क्या फाइंड करना है। तो फाइंड
नेचर पोजिशन साइज ऑफ द इमेज ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन. चार चीजें पूछ रहा है नेचर पोजिशन साइज ऑफ द इमेज एंड मैग्निफिकेशन. तो चलो हमें दिया हुआ है एफ यू और एच ओ, फाइंड करना है वी और एम. वी और एम अगर हम पता लगा लें तो वी से हमें पोजिशन मिल जाएगा, एम से हमें मैग्निफिकेशन मिल जाएगा, और वी और यू का यूज करके हम साइज ऑफ द इमेज निकाल सकते हैं और नेचर हमें वहां से पता चली जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम वी कैसे निकालेंगे. तो वी के लिए हम लिखेंगे यूजिंग कौन सा फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला. लेंस फॉर्मूला क्या होता है, यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ. अब यहां पे एक चीज नोटिस करो कि ये जो माइनस है यही डिफरेंस है, मिरर फॉर्मूले में यहाँ प्लस होता है, लेंस फॉर्मूले में यहाँ माइनस होता है. हमें फाइंड क्या करना है, यू और एफ दिया हुआ है, फाइंड करना है वी. तो 1 by v को यहाँ पे लिखेंगे और करके, ठीक है, और 1 by v इज इक्वल टू 1 by f, ये माइनस है इधर, प्लस 1 by u. दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो, पहले वैल्यू पुट करके ट्रांसपोज करो या फिर ट्रांसपोज करके वैल्यू पुट करो, दोनों सेम है. तो 1 by v इज इक्वल टू 1 by f की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, प्लस 1 by u की वैल्यू माइनस 15 सेंटीमीटर. ठीक है, अब इसको फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 बाई 10 माइनस 1 बाई 15, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 30, 10 थ्री सा 30, 15 टू सा सॉरी यहाँ पे माइनस होगा 15 टू सा 30. ओके, कैलकुलेशन तो खैर पता ही होगा, मैथ का सिंपल सा कैलकुलेशन है. 1 बाई वी इज इक्वल टू ये आएगा, ठीक है, यहाँ पे और लिखते जाना. और इसके बाद 1 by v is equal to हमने लिख दिया 3 minus 2 1 by 30, या फिर यहाँ पे फाइनली हमें क्या मिल गया v is, यहाँ पे छोड़ो राइट साइड में लिख लेते हैं, ठीक है, मतलब v is equal to 30 सेंटीमीटर. v is equal to उल्टा कर देंगे तो v is equal to 30 सेंटीमीटर. अब एक बात बताओ, यहाँ पे v जो है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो है हमारा पॉजिटिव. पॉजिटिव का मतलब कि अब देखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे क्या आंसर, द इमेज विल बी फॉर्म्ड कहाँ पे, एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर. ठीक है, 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इमेज बनेगा, ये तो क्लियर है. अब किस साइड में बनेगा, जैसे लेंस यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है 15 सेंटीमीटर पे, मैंने कहा 30 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगा, तो 30 सेंटीमीटर पे यहाँ पे भी बन सकता है, यहाँ पे भी बन सकता है, तो कहाँ पे बनेगा, तो ये बताएगा हमारा डिस्टेंस पॉजिटिव है या निगेटिव है. तो यहाँ पे पॉजिटिव है, तो एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन द अपोजिट साइड, इन द अपोजिट साइड ऑफ द लेंस. तो हमने क्या बता दिया कि इमेज की पोजीशन क्या होगी, इमेज का लोकेशन क्या होगा, इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, कहाँ पे फॉर्म होगा. तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है, लेंस यहाँ पे है, तो इसका इससे जितना डिस्टेंस है उसके दुगने डिस्टेंस पे 30 सेंटीमीटर पे, और अपोजिट साइड में, मतलब ऑब्जेक्ट अगर इधर है तो लेंस के लेफ्ट साइड में, अगर ऑब्जेक्ट है तो राइट साइड में इमेज बनेगा. तो अपोजिट साइड हमने लिख दिया. अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्या फाइंड करना है. तो हमें फाइंड करना है नेचर साइज एंड मैग्निफिकेशन. तो अब लिखेंगे यूजिंग लेंस फॉर्मूला हो गया बाय मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है, एम इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वी अपॉन यू.
मिरर के कंडीशन में क्या होता था, लीनियर मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू माइनस वी वाई, ठीक है, याद रखना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी जो नए सिंबल्स आए हैं एच आई और एच ओ एम, इसका वैल्यू पुट कर देना, वेयर m इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन फैक्टर, एच आई इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज एंड एच ओ इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको यहाँ पे मेंशन कर दियो तो कंपलसरी नहीं है मेंशन करो, लेकिन वही चीज़ है कि नहीं मेंशन करोगे तो रिस्क है, इसलिए अगर टाइम है तो मेंशन कर दो, नहीं टाइम है तो फिर कंपलसरी नहीं है, क्योंकि एक बार आपने मेंशन कर दिया है। अब देखो, स्मॉल m इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट या फिर v अपॉन u, तो हम v अपॉन u यूज कर लेते हैं क्योंकि हमें 30 अपॉन माइनस 15 पता है, ये आ जाएगा माइनस 2, मतलब स्मॉल m इज इक्वल टू माइनस 2 मिल गया। अब स्मॉल m के लिए मैंने क्या बताया था, अगर m लेस देन 1 है, m इक्वल टू 1 है और m ग्रेटर देन 1 है, तो ये तीन कंडीशंस मैंने बताई थी। इस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट होता है इससे छोटा बनता है इमेज, इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट के बराबर बनता है इमेज, ये ऑब्जेक्ट है ये इमेज है, और इस कंडीशन में इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा बन जाता है, ठीक है। तो ये चीजें बताया था, अगर बड़ा है वन याद करो, वन से बड़ा है तो इमेज बड़ा है, वन के बराबर है तो इमेज बराबर है, वन से छोटा है तो इमेज छोटा है। तो यहाँ पे हमारा मैग्निफिकेशन कितना है, देखो साइन को मत देखना, जैसे ये साइन जो है माइनस लगा हुआ, उस चीज को मत नोटिस करो, वो चीज बता रहा है कि हमारा मैग्निफिकेशन कॉनकेव का है कि कॉन्वेक्स का है, ये चीज, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को देखेंगे, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन वन है, मतलब कि इमेज फॉर्म इमेज विल बी क्या, तो इमेज विल बी, इसको इरेज कर लेते हैं अभी जगह, इमेज विल बी मैग्निफाइड बाय द फैक्टर, ये मैग्निफिकेशन फैक्टर है तो इसको ऐसे लिखते हैं स्टेटमेंट में, बाय द फैक्टर 2, मतलब इमेज जो होगा ये दोगुना हो जाएगा ऑब्जेक्ट का। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे कि इमेज ऑब्जेक्ट की साइज क्या होगी, इमेज की साइज ऑफ इमेज निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे, बाय मिरर फॉर्मूला, बाय मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये चीज है हमारे पास, इसी को यूज करेंगे, तो यहाँ पे रहने दो, इधर लिख लेते हैं माइनस टू हमारा मैग्निफिकेशन है, यहाँ से इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज फाइंड करना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, मतलब कि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस 4 सेंटीमीटर। अब इसका क्या मतलब है, हाइट ऑफ द इमेज माइनस फोर का मतलब क्या, ऑब्जेक्ट से एकदम नीचे चला जा रहा है, नहीं, माइनस का मतलब क्या है, यहाँ पे माइनस का मतलब है कि जो इमेज बनेगा वो इन्वर्टेड, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर हाइट के साथ प्लस या माइनस आ रहा है तो इसका सिग्निफिकेंट मतलब क्या है कि इमेज जो है वो अगर माइनस है तो इन्वर्टेड है, प्लस है तो इरेक्ट है, ठीक है। तो अब स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे हमने मैग्निफिकेशन बता दिया, पोजिशन बता दिया, साइज बता दिया हमने यहाँ पे, अब बचा है नेचर, तो नेचर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो इमेज फॉर्म्ड विल बी ऑफ 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर का होगा। अब देखो यहाँ पे जब स्टेटमेंट में लिखना तो साइन मेंशन मत करना, क्योंकि माइनस जो है वो हाइट में नहीं, कभी सुना है क्या कि कोई इंसान -3 सेंटीमीटर का है, ठीक है, हाइट वगैरह बताने के लिए माइनस का यूज नहीं करते हैं, माइनस में सिंपली बता रहा है कि इमेज इन्वर्टेड है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम, ये तो हमारा हो गया कि हाइट कितना होगा, साइज ऑफ द इमेज, अब आते हैं नेचर पे, तो इमेज विल बी कैसा है, माइनस लगा है हाइट के साथ, हाइट कंडीशन में माइनस का मतलब कि इमेज इन्वर्टेड होगी, और इन्वर्टेड के केस में एकदम रटवा दिया है मैंने कि रियल के साथ इन्वर्टेड आता है,
तो इमेज फॉर्म विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, मैग्निफाइड होगा, यहां पे बता दिया है रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, 4 सेंटीमीटर का होगा और सेम साइड ऑफ द अपोजिट साइड में बनेगा 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो यहां से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमारा जो भी कॉन्सेप्ट था लगभग सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। बाकी न्यूमेरिकल जो एक्सरसाइज में दिए हैं वो भी हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए।